सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू करने वाले हैं IFB की तरफ से आने वाला एक माइक्रोवेव ओवन। अगर मॉडल की बात करें तो ये 30VC5 मॉडल से अवेलेबल है और इसका जो मेन हाइलाइटेड यहाँ पे फीचर्स आप देख सकते हो बॉक्स पर ही, इसमें आप ऑयल फ्री कुकिंग कर सकते हो। सो इस बॉक्स के साथ हमें एक और बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है जो कि एक स्टार्टर किट है। सो इस स्टार्टर किट में आपको बेसिकली एक बुकलेट मिल जाता है जिसमें बहुत सारे डिशेज हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इसमें आपको माइक्रोवेव सेफ कंटेनर मिलते हैं जो कि आप माइक्रोवेव मोड पे इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की MRP मेंशन है 950, बट एज एन ये गिफ्ट आपको IFB की तरफ से मिल जाता है। और ये आपको डिस्क्रिप्शन में, जब आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है स्टार्टर किट है या नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम मेन फीचर्स की अगर इसकी बात कर ले तो इसमें आपको कॉन्वेक्शन मोड वाला ये 30 लीटर का माइक्रोवेव है। इसमें आप हीटिंग, ग्रिलिंग और बेकिंग तीनों कर सकते हो, और इसमें आपको 1 साल का वारंटी प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट पे है और 3 साल का मैग्नेट्रॉन और इसकी कैविटी पे है। यहाँ पे इसकी वेट की बात करें तो 18.4 kg का इसका वेट है, और ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है मई 2021 में ही हुआ है, और ये इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे चाइना है। और इसकी जो MRP है बॉक्स में मेंशन वो 17,890 रुपीज़ है। सो यहाँ पर अगर इसके कुछ फीचर्स की बात कर ले तो इसमें आपको ऑटो प्रोग्राम, आपको कुछ डिशेज मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन मोड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको डिओड्राइज़र का ऑप्शन मिल जाता है, स्टीम ऑप्शन भी मिल जाता है, तो स्टीम आप इसको क्लीन कर सकते हो। सो इसी के साथ यहाँ पर कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डिसइनफेक्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ डिओड्राइज का ऑप्शन मिलता है, ऑटो डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉम्बिनेशन कुकिंग देखने को मिलता है, मल्टी स्टेज कुकिंग भी इसमें है, साथ ही साथ फर्मेंटेशन का ऑप्शन है, ऑटो कुक मेनू इसमें आपको दिए गए हैं, हीटर सिलेक्शन का ऑप्शन है जब आप ऑयल फ्री कुकिंग करोगे तो, टेम्परेचर की सेटिंग है इसमें आपको, साथ ही साथ पावर आप कंट्रोल कर सकते हो इसका, कीप वार्म का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको चाइल्ड लॉक देखने को मिलता है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन इसमें है, साथ ही साथ सेंसर माल फंक्शन प्रोटेक्शन भी इसमें दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये रहा ओवरऑल लुक हमारे प्रोडक्ट का जो कि 30BC5 मॉडल है। हमने इसे पहले ही बाहर निकाल रखा था, जब हमारा ओपन बॉक्स डिलीवरी हुआ था उसी टाइम हमने इसे चेक कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर विथ फ्लोरल डिज़ाइन में आता है। अगर मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊं तो अंदर में भी आपको कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है। इसमें आपको 2 रैक है और साथ ही साथ इसमें आपको एक ट्रे देखने को मिलता है जो कि एक तवा है, साथ ही साथ रोलर रिंग और एक इसमें आपको ग्लास ट्रे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप विंडो पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर हाईलाइटेड इनके कुछ बेसिक्स गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है, इसे आपको क्लोज डोर में ही ऑपरेट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ओवरऑल लुक ऊपर से कुछ ये ऐसा दिखता है। इसके ऊपर में आपको यहाँ पे वेंटिलेशन यूनिट देखने को मिल जाता है जो कि आपका ऊपर साइड और लेफ्ट साइड में है, और ऊपर की साइड में आपका जो भी ऑटो कुक मेनू यहाँ पे दिया गया है उसके सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसे ऑपरेट कैसे करना है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सो आप देख सकते हो सारे यहाँ पर आपको जो भी हेडिंग है हेल्थ कुक उसके अंदर सब यहाँ पर मेनू दिए गए हैं जो कि HC1 जो कि कोडिंग के अकॉर्डिंग है उसे आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आपको डेमो देने के लिए आएंगे तो वो आपका वारंटी रजिस्टर कर देंगे, या आप इस नंबर या मैसेज पे कॉल करके भी अपनी वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो। सो पीछे की साइड से हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसकी वायर की लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स हमें 1 मीटर की वायर यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सो अगर आप माइक्रोवेव को रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो, इसे वीकली या कभी कभार यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आप इसके वायर को फोल्ड करके यहाँ पे एक स्पेसिंग दिया गया है, आप इससे इजीली अटैच कर सकते हो इसके प्लग को। और यहाँ पर जो आपको प्लग यहाँ पे देखने को मिलता है वो 16 एम्पेयर का प्लग यहाँ पर है। सो यहाँ पर आप एक बार देख लो इसे, ये 16 एम्पेयर का यहाँ पे प्लग है। सो आपका जो सॉकेट भी होना चाहिए वो 16 एम्पेयर का होना चाहिए। सो यहाँ पर आप इसे इजीली अटैच करके रख सकते हो। जब ये आता भी है तो ये ऐसे ही रहता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके वायर के रिलेटेड। सो यहाँ पर इसी के साथ आपको बैक साइड में यहाँ पर एक आपको फ़ैन भी देखने को मिल जाता है। सो ये बेसिकली शायद एग्जॉस्ट के लिए हो, जो कि काफ़ी ये जो बैक पैनल है और ऊपर के साइड जो है ये काफ़ी हीट होता है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसको रखो तो कम से कम 5 to 10 cm की आप दूरी बनाए रखो यहाँ पर वॉल से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ यूटेंसिल आपको माइक्रोवेव के अंदर इनर कंपार्टमेंट से मिलता है जब आप उसे ओपन करते हो। इसके अंदर आपको 2 रैक मिलते हैं, दैट इज़ हाई एंड लो।
रैक, इसको आप ग्रिलिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो या कन्वेक्शन मोड में भी उसे यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ आपको ये ट्रे मिल जाता है जो कि आप ग्रिलिंग और कन्वेक्शन दोनों में यूज़ कर सकते हो। इस दोनों को आपको माइक्रोवेव मोड में यूज़ नहीं करना है। और उसी के साथ इसमें आपको एक यहाँ पर रोलर रिंग मिलता है जो कि ये हमेशा आपके माइक्रोवेव के अंदर रहेगा। और इसी के ऊपर जो है एक यहाँ पर ग्लास का ट्रे है, ये ग्लास का ट्रे जो है इसी के ऊपर रहेगा। और ये तीनों मोड में ये उसी के अंदर रहेगा। जो भी आपको इक्विपमेंट रखना हो, जो भी ग्रिलिंग या बेकिंग के लिए जो भी रखना है, आपको इसी ग्लास ट्रे पे रखना है। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसे एडजस्ट कैसे करते हैं। और इसी के साथ आपको जो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। सो इस बुक के अंदर बेसिकली आपको माइक्रोवेव को ऑपरेट कैसे करना है वो मेंशन है, साथ ही साथ कुछ रेसिपी हैं जो कि आपको ऑटो कुक मेनू के ऊपर आपको स्टिकर प्लेट पे देखने को मिलता है, वो इसमें मेंशनड है। सो आप देख सकते हो इंटरनल यहाँ पे जो भी कैविटी है वो माइक्रोवेव का स्टील का है। और जो ये रोलर रिंग है आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर पे रख देना है। और यहाँ पे जो भी आपका जो शाफ्ट है, आपको जो सेंटर में दिख रहा होगा एक ट्रायंगुलर टाइप का, वो सेंटर में होगा। और इसी के ऊपर आपको आपका जो भी ग्लास ट्रे मिला है उसको आपको इसके ऊपर रख देना है। और जो फ्लैट वाला चिकना सरफेस है वो ऊपर रहेगा, और जो लेग्स हैं जो कि नीचे के साइड आप देख रहे होंगे, थ्री स्ट्रक्चर्स होंगे, वो नीचे रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये रोलर रिंग है इसमें कोई भी ऊपर नीचे का कोई भी इसमें ये नहीं है, आप इसे जिस मर्जी में चाहो रख सकते हो। बट आप जब ये ग्लास रखते हो तो ये आपको जो शाफ्ट दिख रहा होगा नीचे, इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, और वो सेम स्ट्रक्चर को आपको इसके ग्लास के लेग के बीच में अटैच करना है। जो कि साइड साइड किनारा देख रहे हो, वैकेंट स्पेसेस दिख रहे होंगे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी में आपको वो फिक्स करना है। जो शाफ्ट का है, जो भी प्लास्टिक का है, वो उस पर यहाँ पे आपको फिक्स करना है, तभी ये जो है प्रॉपरली एडजस्ट होगा, नहीं तो ये हिलता रहेगा। इसे आपको प्रॉपरली एडजस्ट कर देना उस वैकेंट स्पेस पे, तो ये प्रॉपरली फिक्स हो जाता है आपका ग्लास ट्रे। यहाँ पर आप देख सकते हो सर, जो ये एक बार फिक्स हो जाएगा तो ये अपने प्लेस पे हिलेगा नहीं, बस हल्का सा आगे पीछे होगा। तो इसी से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा ये प्रॉपरली यहाँ पर अटैच्ड हो चुका है। सो इसी के ऊपर आपको जो भी यूटेंसिल्स हैं, जैसे कि ग्रिलिंग के लिए या जो भी माइक्रोवेव सेफ कंटेनर है, इसके ऊपर आपको रखना है। और इसी के ऊपर आपको जो भी यहाँ पर आइटम कुक करना हो वो आप रख सकते हो। सो ये जो है कॉन्वेक्शन और ग्रिलिंग मोड में इसे रख सकते हो। और माइक्रोवेव में आपको जो भी एक स्टार्टिंग किट मिला हुआ है उसको आप रख सकते हो। सो यहाँ पे सेम ग्रिलिंग टाइम यहाँ पर हम ये जो रैक मिले हैं, हाई एंड लो रैक, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था ओवरऑल इस माइक्रोवेव के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके जो भी यहाँ पे बटन्स और यहाँ पे डायल दिए गए हैं वो देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एक LED पैनल है ये, जो जिसमें कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर आपको शोन होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे ही ऑन होता है तो ये यहाँ पर जो ये आप 1 देख रहे हो, एक्चुअली ये टाइम यहाँ पे शोन होता है, और ये आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है। इसे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो ये वेट क्लॉक का जो बटन दिया गया उसके थ्रू। जब यहाँ पे आप माइक्रोवेव पे क्लिक करते हो तो जो ये ओवन है माइक्रोवेव फंक्शन पे वर्क करने लगता है, और जो ये वर्क करता है 100% पे करता है। तो इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा ये कैसे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बेसिक सा इसका इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो इसे आप 100% पे, इसे आप जो ये टाइम नॉब दिया हुआ है, जो इसका डायल दिया गया है, इसके थ्रू आप यहाँ से इसे टाइम इसका लगा सकते हो। और अगर आप चाहो तो माइक्रोवेव वाले पे क्लिक करके ही इसका जो भी है, इसका जो भी पावर कंजम्पशन है, आप 100 से 20 पे कर सकते हो, यही है। और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हो इसमें आपको वेट क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इसे यहाँ पे आप पॉज कैंसिल करके कैंसिल कर सकते हो। वेट क्लॉक में आप यहाँ पे आपको आवर 12 या 24 वाले में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको OFC दैट इज़ ऑयल फ्री कुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें कि H1 H2 है। ये क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी आप ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हो उसे आपको कैंसिल करना पड़ता है। सो इसके थ्रू आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ग्रिल वाले ऑप्शन में आपको फर्स्ट तो ग्रिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो आपको सिंबल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सेकेंड, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे CO1 और यहाँ पे CO2 दैट इज़ Combination 1 एंड Combination 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको LED पैनल पर इसका जो भी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्मार्ट चॉइस देखने को मिलता है। फर्स्ट हम इसे कैंसिल करते हैं। तो स्मार्ट चॉइस में यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइम है ये 1 मिनट हो चुका है,
वही यहाँ पे ये सोन कर रहा है। इसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं क्लॉक वाले मेनू से, दैट इज़ ये बटन से। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगा। स्मार्ट चॉइस में यहाँ पर आपको ये देख सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वर्क करता है, यहाँ पर इसका सारा ऑप्शन है कुछ भी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर क्लियर 50C, यहाँ पर आपको ये जो टाइम आ गया है, यहाँ पर आपको कुछ भी डिफ्रॉस्ट करना है तो वो कर सकते हो, यहाँ पर वो दिया गया है। और यहाँ पर आपको कॉन्वेक्शन मोड आपको दिया मिलता है, इसमें देख सकते हो जैसे कि कॉन्वेक्शन यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार्ट होता है, इसे आप डिक्रीज़ कर सकते हो अप टू 110 पे जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर ये हमारा अब माइक्रो प्लस कॉन्वेक्शन मोड पे आ गया है, दैट इज़ यहाँ पे जो कॉन्वेक्शन स्लैश माइक्रो कॉन्वेक्शन दिया गया है। और जो ये डायल पैड है यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो इसी के थ्रू आप जब ये मेनू के साइड रोटेट करते हो तो आपको BC, DS, HC ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये जो हमारा ऊपर की साइड मेनू है ना वो है इसमें। तो सिंपल सा है, और ये स्टार्ट दबा के आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो स्टार्टर किट मिला था उसके अंदर है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे फर्स्ट तो आपको एक बुकलेट दिख जाता है जो कि IFB की तरफ से है, और इसमें आपको रीजनल कुकिंग आपको मेनू देखने को मिल जाते हैं। रीजनल कुकबुक ऑफ इंडिया है ये, जो कि नीता मेहता ने लिखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट्स में, इसमें आपको सारे नॉर्थ इंडियन, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, ईस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं डिशेज। इसमें आपको हर्ब्स के नेम देखने को मिल जाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बटर चिकन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है, और यहाँ पर जो भी गुजराती, आपको सारे यहाँ पे लैंग्वेजेस में जो जो डिशेज जहाँ के हैं वहाँ के लैंग्वेजेस के साथ इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सो इस बुक में यही है। सो चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर है क्या। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बॉक्स को ओपन कर लिया, और इसके अंदर आपको जो भी यहाँ पे कंटेनर्स दिख रहे होंगे ये माइक्रोवेव सेफ कंटेनर आपको इसमें आपको मिलते हैं। इसमें काफ़ी सारे कंटेनर्स मिले हैं, एक एक करके हम वो देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये बेसिकली आपका इडली वाला है, इडली इसमें आप बना सकते हो, इसमें एटलीस्ट एक टाइम में आप 8 इडली बना सकते हो। बस नीचे में आपको हल्का सा पानी रखना है और इसको आप माइक्रोवेव में बना सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये है एक रोटी क्रिस्पर, एंड आप इसको पिज्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हो गर्म करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक और कंटेनर मिला है, इसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो, और इस गिलास में आप चाहो तो कॉफ़ी या टी को गर्म कर सकते हो या दूध भी गर्म कर सकते हो, बट हल्का ही क्रैक सा लग रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं। सो यही सब कंटेनर इसमें मिल रहे हैं जो कि सारे माइक्रोवेव सेफ कंटेनर हैं। इसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी रीहीट कर सकते हो। एक स्पून भी आपको मिलता है जो कि माइक्रोवेव सेफ है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो यही है, इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसका जो भी डेमो है, ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो माइक्रोवेव को, सारा इसका जो भी फीचर्स है एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आप ये बुक देख सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी आपको यहाँ पर मेनू देख रहे होंगे, डिशेज दिख जाते हैं। सो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी इसमें इजी मेथड से यहाँ पे बताया हुआ है। सो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब